महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान के मंदिरों में रखे सोने के इस्तेमाल करने की बात को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस बयान के बाद पृथ्वीराज चौहान भाजपा के निशाने पर आ गए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इनको सिर्फ मंदिरों का सोना, बिल्डिंग और इनकम दिखती है, कांग्रेसियों को कभी दूसरे धर्म या वक्फ बोर्ड की जमीन दिखाई नहीं देती। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसियों को मुगल संस्कार छोड़ने और हिंदू संस्कार अपनाने की नसीहत दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का मंदिरों में रखे सोने के इस्तेमाल को लेकर दिए बयान से कांग्रेस की जमकर किरकिरी होने लगी है। चौहान के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मुगल संस्कृति को छोड़ने की नसीहत दी है। चौहान के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारी से की है। संबित ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस और मुगल आक्रमणकारी में कोई अंतर है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस मंदिरों को लूटने वाली मुगलों की संस्कृति को छोड़कर हिंदू संस्कृति अपनाएं। कांग्रेस मंदिरों को छोड़कर किसी धर्म के बारे में नहीं बोलती। उनको वक्फ बोर्ड की ना तो जमीन दिखती है ना ही मस्जिद। मंदिरों ने तो करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में मुसीबत के वक्त दान किया है, क्या किसी मस्जिद ने दान किया है? रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान अपने नाम की तो गरिमा रख लेते। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। श्रीमान जी पृथ्वीराज चौहान जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान आपका नाम है, कम से कम आज की तारीख में नहीं तो पुराने अतीत के पृथ्वीराज चौहान के नाम के अनुसार तो आप अपनी बात करते। मंदिर का सोना तो सबको दिख रहा है कि मंदिर का सोना बेच देना चाहिए, क्या आपने कभी ये सोचा कि वक्त की जमीन का क्या होगा? क्या आपने कभी किसी मस्जिद की जमीन को बेचकर कभी ये सोचा कि कोई परमार्थ के कार्य किए जा सके? सबको केवल मंदिरों का सोना दिखता है, मंदिरों की बिल्डिंग दिखती है, मंदिरों की इनकम दिखती है, कभी दूसरे धर्मों के बारे में विचार नहीं चलता आपका? आपने सोचा कि कितने वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, करोड़ों एकड़ की जमीनें फैली पड़ी हैं, इसका क्या उपयोग हो रहा है? गुंडे मवाली इसका उपयोग करते हैं। कांग्रेसियों कम से कम सोचो, थोड़ा सा विचार करो। मंदिर का सोना आज नहीं तो कल भी हिंदुस्तान की सेना का था, आज भी हिंदुस्तान की सेना है। हर मंदिर ने अपने चढ़ावे का दान जो है कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए दान प्रधानमंत्री फंड में दिया है, पर एक भी ऐसे स्थान का जो है मस्जिद के स्थान से नहीं आया जहाँ प्रधानमंत्री राहत कोष में किसी ने फंड दिया हो। श्रीमान जी कांग्रेसी नेता हो, थोड़े से मुगल संस्कारों को छोड़कर हिंदू संस्कारों में और हिंदुस्तान की संस्कृति में रचोगे तो ज्यादा देश का भला होगा। इतना निवेदन मुझे आपसे अवश्य करना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।